हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो स्किल्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टू की इंग्लिश वर्कशीट के बारे में। मेरे चैनल में जो नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन, सर्कल द प्रॉपर नाउन्स इन ईच रो। यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर रो में प्रॉपर नाउन सर्च करना है और उसको सर्कल करना है। जैसे रवि, बास्केट, बॉय, डॉल। तो इसमें क्या होगा प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जिनमें पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और पर्सन, प्लेस, थिंग जो भी होते हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो हम सबसे पहले सर्च करेंगे इसमें रवि, बास्केट, बॉय, डॉल। तो क्या होना चाहिए? रवि इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन, प्ले, लीडर, आगरा, लेटर्स। इस रो में हमें प्रॉपर नाउन सर्च करना है, तो इसमें कौन सा प्रॉपर नाउन हो सकता है? आगरा इज अ प्लेस, इट इज अ प्रॉपर नाउन। टीचर, मैन, टाइगर और वर्ड, इसमें हमें प्रॉपर नाउन सर्च करना है। टीम, गंगा, बिग, किंग, इसमें हमें प्रॉपर नाउन सर्च करना है, तो गंगा इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ मैंने क्या लिखे हुए हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स लिखे हुए हैं, जेंडर हमें चेंज करना है। जैसे, और वो भी पेयर बना के, जैसे सन के साथ क्या हम पेयर बनाते हैं, सन एंड डॉटर। प्रिंस एंड प्रिंसेस, डैश एंड वाइफ, क्या बनेगा? हस्बैंड एंड वाइफ, डैश एंड हीरोइन, तो क्या आना चाहिए? हीरो एंड हीरोइन। हॉर्स एंड डैश, हॉर्स एंड मेयर। तो इस तरीके से आप जेंडर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड और द। इसमें हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा और कहाँ पे द आएगा। तो सबसे पहले आता है डैश द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सन, सन के साथ हम क्या लगाते हैं? द सन राइजेस इन द ईस्ट। न्यू दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वेयर इज डैश रैट, वेयर इज अ रैट। द डैश इज फ्लाइंग, ए बर्ड इज फ्लाइंग। शी इज ईटिंग डैश एप्पल, शी इज ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने एक तरफ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके कुछ एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है किसके साथ क्या चीज़ मैच हो सकती है। जैसे टी, टी हमारा क्या होता है? जूसी, कोल्ड, स्वीट, लवली, हॉट। टी के साथ हम क्या लगाएंगे? हॉट। मैंगो, मैंगो कैसा होता है? जूसी, कोल्ड, स्वीट, क्या आ सकता है? मैंगो इज जूसी। आइसक्रीम, आइसक्रीम को किसके साथ मैच करेंगे? कोल्ड। केक, स्वीट। फ्लावर, लवली। तो इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पे मैंने कुछ हिंट भी लिखे हुए हैं, तो हमें इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आ सकता है। प्रीपोजिशंस हमारे वही ऑफ, ऑन, इन, विद, बाय, ये सब होते हैं। आई एम फॉन्ड डैश मैंगोज, ऑफ और ऑन? आई एम फॉन्ड ऑफ मैंगोज। द बुक इज डैश द टेबल, इन और ऑन, क्या होना चाहिए? ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। आई शैल गो डैश यू, आई शैल गो बाय यू या विद यू? आई शैल गो विद यू। द चेयर इज डैश द टेबल, द चेयर इज फॉर द टेबल या नियर द टेबल? नियर द टेबल। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है
रीअरेंज द सेंटेंसेस। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनको हमें क्या करना है, अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। आई इन गंगानगर लिव, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले आई देन लिव इन गंगा नगर। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस कंप्लीट कराना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेम माय अनु इज, यहाँ पे मैंने नेम ही कर दिया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माय नेम इज अनु। उसके बाद इज अ बिजनेसमैन फादर माय, तो क्या आना चाहिए, माय फादर इज अ बिजनेस मैन। इस तरीके से आप इजी सेंटेंसेस दे सकते हैं पहले अरेंज करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बच्चों को आपको बताना है कि जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, ये होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिनके पीछे सेल्फ लगा होता है। बस हमें क्या करना है कि आई के साथ हमारा प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, ही के साथ क्या यूज़ होगा, शी के साथ क्या यूज़ होगा, वही उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें फिल करेंगे। जैसे आई फेल डाउन, आई के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ, तो आई फेल डाउन माई सेल्फ। ही इज रीडिंग, तो ही के साथ क्या लगता है, हिम, तो हमारा क्या आ जाएगा, हिम सेल्फ, ही इज रीडिंग हिम सेल्फ। शी हर्ट, शी के साथ क्या लगाएंगे, हर, तो शी रीडिंग, सॉरी शी हर्ट हर सेल्फ। उसके बाद यू आर स्टडिंग, यू के साथ योर सेल्फ, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस करा सकते हैं। उसके बाद आता है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रोनाउन, यहाँ पे भी हमें प्रोनाउंस फिल करने हैं। जैसे माय नेम इज अक्षरा, आई लिव इन दिल्ली विद, क्या आना चाहिए, माय, विद माय फैमिली, माय फादर इज अ डॉक्टर, डैश वर्क्स वेरी हार्ड, ही वर्क्स वेरी हार्ड, माय मदर इज अ टीचर, डैश ऑल्सो वर्क्स, शी ऑल्सो वर्क्स, आई हेल्प डैश मदर, तो आई हेल्प माई मदर इन द किचन, डैश सॉरी आई मेक डैश ओन बेड, आई मेक माई ओन बेड। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस करा सकते हैं। वीडियो सो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 2 की इंग्लिश की वर्कशीट, जिसकी वजह से आप घर में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और जो मेरे चैनल में है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।